हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम मिक्स दाल की स्नैक बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार बनेंगे ये। इसके लिए आधा कप चने की दाल, आधा कप सफ़ेद लोबिया ले लिया है और साथ में छिलके वाली आधा कप मूंग की दाल है और आधा कप माश की दाल और आधा कप मूंग की दाल, दो खाने के चमचे साबुत मसूर की दाल। और इन तमाम दालों को साफ़ करके भिगो देना है 6 घंटे के लिए। और अदरक है हमारे पास थोड़ी सी, कड़ी पत्ता देख सकते हैं ये है, हरी मिर्चें हैं 6-8, लहसुन, लौंग, काली मिर्चें, तमाम चीज़ों को हमने 1 टेबल स्पून पानी के साथ पीस लेना है। पेस्ट बन जाएगा, ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हमें इसको दालों में शामिल करना है, इसलिए कोशिश कीजिए इसको बिल्कुल ड्राई सा ही पीसें। और हमारी दालें अच्छे तरीके से भीग गई हैं, पानी डिस्कार्ड करके हमने इसको चॉपर में पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा रखना है। और ये देख सकते हैं पिस गई हैं तमाम दालें, इनको हमने एक बाउल में निकाल लिया है और साथ में 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच भर के रोस्टेड ज़ीरा है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है। और जो पेस्ट हमने पीसा था वो इसमें शामिल करना है, साथ में थोड़ा थोड़ा धनिया और पुदीना, दोनों ये भी ले लिए 2 खाने के चम्मच और 1 कप पालक मैंने काट कर धो के बारीक काट ली थी, ये इसमें शामिल करनी है। बाइंडिंग के लिए 2 खाने के चम्मच बेसन डालना है, थोड़ा सा अगर आपको और गीला लग रहा हो या पतला हो रहा हो तो 1 खाने का चम्मच ऐड और कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा नहीं डालना। पतली पतली इस तरीके से टिकिया बना के शैलो फ्राई करने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी पुदीने की चटनी के साथ या दही वाली जो बनाते हैं हम ग्रीन चटनी, उसके साथ सर्व कीजिए।